नैना लेक। उत्तराखंड में खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल के केंद्र में स्थित नैनी झील ताजे पानी की सुरम्या झील है, जो नैनीताल के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। उत्तर पश्चिम में नैनी पीक, दक्षिण पश्चिम में टिफिन पॉइंट और उत्तर में बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी नैनी झील विशेष रूप से सुबह और सूर्यास्त के दौरान लुभावने वाला दृश्य प्रदान करती है, जो बेहद मन को भावनीय होते हैं। यह नौका विहार पिकनिक और शाम की सैर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों और हनीमून कपल्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सात पहाड़ियों से घिरी इस झील की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है, जो वाकई में किसी जन्नत से कम नहीं। यदि आप शहर की हलचल से दूर कहीं अपनी फैमिली या वाइफ के साथ रोमांटिक या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो नैनीताल की गोद में बसी सुंदर झील से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। इस झील में कई झील से कई कड़ियां भी जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। इस वीडियो में हम आपको नैनी झील और इसकी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए इस आकर्षक झील के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सेकंड डे है हमारा आज नैनीताल में एंड रेडी फॉर गो। अभी देखते हैं, हमारे साथी भी जाने के लिए रेडी हुए हैं नहीं हुए। हां जी ब्रो, रेडी टू गो? या ब्रो, या ऑफ कोर्स मैन, रेडी टू गो। ओके, कैमरा तुम्हारा, गिम्बल वगैरह, एवरीथिंग सब कुछ फिट है, सब कुछ फिट है। ओके माय टाइम। ठंड भाई, ठंड हो गई है। अच्छा, स्नो भी नहीं पड़ी भाई यहाँ तो। ए सिंगला जी, गाड़ी साफ करते हुए रात को क्या क्या लग गया भाई? ओ धूल धूल धूल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट नैनीताल? It's very, 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 very nature type of place. Okay. So I've not just me, everybody like this too. Okay. Much. Okay. Because people also nice here, weather. Yeah. Super. ये उत्तराखंड से वैसे ही अच्छी होती है। हाँ। उत्तराखंड ना हो। उत्तराखंड सो भी whatever. उत्तराखंड उत्तराखंड। So we really enjoyed this trip. Okay. चलिए अब हम निकल चुके हैं नैना झील के लिए। अभी हूँ मैं माल रोड पर, आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, जो कि नैना ले के बिल्कुल बराबर में से हाईवे निकला हुआ है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। जैसे मैंने कुछ वीडियो में देखा भी था और आर्टिकल्स पढ़ा भी था, इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े थे, तो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। ये सेकेंड साइड है, हम थोड़ा टर्न करके इस साइड से आगे, ताकि राउंड टू राउंड आप लोगों को हम दिखा पाए कि ये बहुत अच्छी एक लेक है और ये सात पहाड़ियों से घिरी हुई एक लेक है। बहुत ही अच्छी नज़ारा है यहाँ पर। ये यहाँ का प्लेग्राउंड है, बच्चे वगैरह यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ सामने क्रिकेट का मैच भी होता है, मैंने देखा है। एंड जस्ट सेकंड जो है ये एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, तो बहुत ही अच्छा एक नज़ारा है। ये छोटी सी मार्केट है जो माल रोड के जो बिल्कुल स्नीपी लगती है। एंड सामने जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही वो नैना लेक है, और उसके जो फ्रंट है बिल्कुल फ्रंट के बिल्कुल बैक साइड में ही नैना देवी मंदिर है। ये महर्षि वाल्मीकि पार्क है, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ से देखने का। एंड ये पूरी की पूरी नैना लेक है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक नज़ारा है यहाँ पर वैसे। एंड आई लव दिस पॉइंट। और अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताने जा रहा हूँ कि क्या कैसे ये लेक बनी और कौन से सन में इसकी खोज हुई। मैं सब अब जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। नैनी झील से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली जो है, नैनीताल झील सात पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो नुकीले मुकुट का आधार बनाती है। दूसरी है, बता दें आपको, नैनी झील की सर्वप्रथम खोज जो है 1839 में एक यूरोपियन व्यक्ति पी बेरान ने की थी। हर साल जून के महीने में झील में एक वार्षिक किंगफिशर नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अक्टूबर और नवम्बर के महीने के दौरान हर साल पर्यटन विभाग द्वारा कमाऊ उत्सव आयोजन भी किया जाता है।
बता दे इस झील माता सती को 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण स्थल भी माना जाता है, जहां माता सती की नैना या आंख बोल सकते हैं जो गिरी थी। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर नामक एक झील का उल्लेख है, जिसे नैनी झील माना जाता है। यह नाम अत्रि, पुलत्स्य और पुलाहा नाम तीन महान ऋषियों के नामों से लिया गया था, जो यहाँ ध्यान करते थे। माना जाता है उन्होंने यहाँ एक गड्ढा खोदा जो जल्द ही पानी से भर गया, जिसके बाद इसे नैनी झील यानी त्रिऋषि सरोवर के रूप में जाना जाने लगा। ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग के अनुसार 1839 में एक यूरोपियन व्यक्ति पी बेरान ने नैनी झील की खोज की थी। कहा जाता है वह एक बार शिकार के लिए निकले थे, जिस दौरान उन्हें गलती से नैनी झील मिल गई और वो इसकी सुंदरता देख मोहित हो गए। तब उन्होंने अंग्रेजों के लिए गर्मियों में वापसी के रूप में एक झील के किनारे एक यूरोपियन कॉलोनी बनाने का फैसला लिया। और दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि नैनी झील भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। नैनी झील का इतिहास लोकप्रिय देवी सती की मृत्यु की कहानी पर आधारित है। जब देवी सती की मृत्यु हुई तो शोक से बाहर आते हुए भगवान शिव सती के शव को लेकर ब्रह्मांड घूमते रहे। तब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए देवी सती के शरीर के 52 हिस्सों को काट दिया था, जो पृथ्वी स्थल पर गिरकर पवित्र स्थल बन गए थे। लेकिन जिस स्थान पर देवी की सती की आंख गिरी, उसे आंख की नैनीताल या नैनी झील कहा जाता है। इसके बाद से देवी सती की पूजा नैना देवी के रूप में की जाती है, जिसे स्थानीय लोग नैना देवी माता मंदिर के रूप में जानते हैं। तो ये था इसका इतिहास। अब इसकी थोड़ी ज्योग्राफी भी समझ लीजिए। सात पहाड़ियों अर्थात लारिया कांता, शेर का डंडा, चेना पीक, हांडी बांडी, आर्यपता और दियोपाटा से घिरी हुई नैनीताल झील विस्तृत वनस्पति का दावा करती है, जिसमें शंकुधारी पेड़, ओक के पेड़ और नैनीताल कमाऊ के प्रसिद्ध बिच्छू बूटी संयंत्र शामिल है। यह झील इतनी बड़ी है कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसके उत्तरी विभाग को मलती ताल और दक्षिणी क्षेत्र को तलती ताल कहा जाता है। आप यहां पर नौका विहार से बोटिंग कर सकते हैं और खूबसूरत वादियों का नजारा ले सकते हैं झील के अंदर। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक होती है। और इसकी जो बोटिंग का चार्जेज रहता है वो हाफ राउंड के लिए 160 रूपए और फुल राउंड के लिए 210 रूपए प्रति घंटा रहता है। मिल चुके हैं। हाँ जी ब्रो। Yes. Hey guys. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा ना, काफी नजारा साइलेंट नजारा मजा शांति में। खूबसूरत वादियों के बीच इस झील का नजारा बेहद ही मनमोहक है। हल्की हल्की धुंध और कोहरे होने पर झील एक अलग ही रूप धारण कर लेती है, जिसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं। यदि आप इन नज़ारों का महसूस करना चाहते हैं तो आप एक बार इस खूबसूरत झील की यात्रा नैनीताल झील के आसपास की घूमने की जगह मैं आपको बता देता हूँ। नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन पॉइंट, नैनी पीक, माल रोड, इको केव गार्डन, मुक्तेश्वर मंदिर, रोपवे, भीमताल, सातताल, कंची धाम, हनुमान गढ़ी, खुरपा ताल, तिब्बत मार्केट, ये सब इसके आसपास के घूमने के दृश्य हैं। धन्यवाद।